स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल जंक्शन के एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, अपन आज प्रश्नावली 9.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। इससे पहले कि जितने भी क्वेश्चन आंसर्स और एग्जांपल्स और बेसिक है उसके मैंने सारी वीडियो डाल रखे हैं, तो अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 अपन आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको तीन चार फंडामेंटल बातें बताई इंटीग्रेशन में। एक तो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला जहाँ पे भी मिल जाए आपको उसको खोलना है, ठीक है ना। एक आपको जहाँ पे भी अवकलन और समाकलन, किसी फलन का समाकलन और अवकलन दोनों एक साथ दिख जाए, मतलब एक या तो फलन, एक तो फलन दिख जाए और उसका अवकलन दिख जाए, तो फलन को टी मान लेना ताकि अवकलन को डी टी में आ जाए, ठीक है ना। कंसिडर करते हैं तो यही क्वेश्चन का तरीका होता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 को अपन कैसे देखते हैं, ठीक है ना। थर्ड थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को अपन किस टाइप से अप्रोच करते हैं, ठीक है ना। इसमें अपने को ये भी नहीं पता चल रहा है कि अपन किसको तो टी माने और किसको डी टी माने, ठीक है ना। तो अपन सोचते हैं कि यार ई की पावर एक्स प्लस वन को अगर अपन टी माने, देखो ई की पावर एक्स प्लस वन को अपन टी माने, देखो क्योंकि अपन मानते हैं ई की पावर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टी, ठीक है ना। तो अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो क्या होगा, रूट को मानते हैं इसमें ना, रूट को दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ई की पावर एक्स प्लस वन इक्वल टू टी स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों साइड अपन डिफरेंशिएशन करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स होता है, चाहे अवकलन हो चाहे समाकलन हो, और वन का जीरो हो जाता है, ठीक है ना, और आ जाता है डी एक्स, ठीक है। और इधर आ जाता है टू टी डी टी, ठीक है, टू टी डी टी आ गया। अब अपने को पता है कि ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है ना। इन दोनों इक्वेशनों को अपन इस क्वेश्चन में फुट करते हैं, क्वेश्चन में फुट करते हैं तो अपने आंसर में क्या आता है, देखो क्वेश्चन फुट करने में अपने एक फायदा होगा, क्वेश्चन फुट करने में अपने को कुछ दिखेगा। इसको पूरे को तो अपन को टी पुट करना है, ठीक है, और इस डी एक्स को अपने को पुट करना है, डी एक्स को अपने को पुट करना है इंटू टू टी डी टी बटे ई की पावर एक्स, ठीक है ना, ई की पावर एक्स। तो अपने को पता है इसको अगर अपन आगे सोल्व करें तो अपने को पता है कि टू तो बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा टी स्क्वायर डी टी और अपन नीचे ई की पावर एक्स। अब अपन ई की पावर एक्स को देखो, ई की पावर एक्स को इस क्वेश्चन नंबर 2 से देखें, ई की पावर एक्स को अपन टी स्क्वायर माइनस वन पुट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 से अपन इसको ऐसे पुट कर सकते हैं कि इसको इस ऐसे बना सकते हैं अपन टी स्क्वायर डी टी अपन टी स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को सिर्फ यही करना है कि ऊपर वाले में है ना, ऊपर वाले टी स्क्वायर में, मैंने आपको जब भी कहा था कि नीचे हर में और अंश में कुछ चीज़ें सेम बनती हो तो प्लस माइनस वन करते हैं, ठीक है। तो अपन प्लस वन करेंगे और माइनस वन करेंगे, ठीक है ना, और इसको टी स्क्वायर, इसको अपन लिख देंगे टी माइनस वन और टी प्लस वन, ठीक है, डी टी आ जाएगा। अब आगे किस टाइप से करेंगे इस क्वेश्चन को, टू ऊपर वाले को टी स्क्वायर माइनस वन को इधर लेंगे, सॉरी इसको खोलना नहीं है अपने को, और इसको इसको खोलना नहीं है, इसको ये रखना है ताकि कट जाए टी स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, और दूसरी चलो अपन चला जाएंगे वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन, ठीक है ना, डी टी, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इससे तो यह कट जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो टू समाकलन ऑफ, इसको खोलना नहीं है, इसको वही रखना है वापस, ठीक है ना। तो यहाँ पे बन जाएगा वन प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, और इधर आ जाएगा डी टी। अब अपने को पता है कि इसको अपन थोड़ा सा खोल के लिखेंगे, खोल के लिखेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे अगर अपन, तो इसका तो आ जाएगा टू 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 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा खोल के लिखेंगे अपन इसको, समाकलन ऑफ वन डी टी, ठीक है, समाकलन ऑफ वन डी टी प्लस समाकलन ऑफ वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन डी टी, ठीक है ना। इस टाइप से अप्रोच किया जाता है क्वेश्चन को, फिर टू बाहर आ गया। अब वन डी टी का तो अपने को पता है टी होता है, प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस माइनस वन का एक अपने को पता है फंडामेंटल फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। फंडामेंटल फॉर्मूला होता है वन बाई टू लॉग ऑफ टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन, ठीक है ना, मोड आ जाता है प्लस सी, तो सी बाहर आएगा ना, अंदर नहीं आएगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई सी नहीं हो रहा है, वो तो कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना। तो अब आगे इसके क्वेश्चन अप्रोच करेंगे, टी को अपने क्या पुट किया था, टी अपने क्या पुट किया था, रूट रूट वाला, तो अंदर सारा मटेरियल ये आ जाएगा रूट ई की पावर एक्स प्लस वन, ठीक है, प्लस वन बाई टू लॉग ऑफ रूट ई की पावर प्लस, ये पूरा पुट करना है यहाँ पे, रूट ई की पावर एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन रूट ई की पावर एक्स प्लस वन, ठीक है ना, प्लस वन प्लस सी, तो यही क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन का अप्रोच करना है तो क्वेश्चन का फाइनल आंसर यही होगा, ठीक है। अब इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर तीन का सेकंड पार्ट, तो क्वेश्चन नंबर 3 का अपन सेकंड पार्ट अगर सॉल्व करते हैं
तो इसको इस टाइप से अप्रोच करना है। देखो मैंने कहा था कि कहीं पे भी आपको अगर फलन और उसका अवकलन दोनों साथ दिख जाए तो फलन को हमेशा टी मान लेते हैं, ठीक है ना। फलन को अगर टी मानेंगे तो अवकलन को डी टी में आ जाएगा, तो अपन उसको क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। तो फिर इसको डिस्कस करने के लिए डी एक्स ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर आप सोच के देखो, सिर्फ इतना सोचना है कि ई की पावर रूट एक्स को अगर अपन टी मानते हैं, ठीक है ना, ई की पावर रूट एक्स को अपन टी मानते हैं, ठीक है। तो अगर डिफरेंशिएशन करते हैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं, ई की पावर एक्स का तो ई की पावर रूट एक्स होता है, और फिर रूट एक्स का होगा 1/√2x, ठीक है। और फिर आ जाएगा डी एक्स इजल टू डी टी, ठीक है ना। तो अगर अपन इसको पूरा लिखते हैं तो ई की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स इजल टू 2 dt, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। तो ये पूरा मटेरियल, जो ये इतना मटेरियल देखो, ये मटेरियल है, ये तो देखो ये बन गया ना, साथ में ये भी कंसिडर कर लो, तो ये तो 2 dt से चेंज हो जाएगा। तो जो अपना क्वेश्चन बचेगा वो क्या बचेगा, फाइनली अपना क्वेश्चन बचेगा ये पूरा, तो उससे हो गया तो कोस ई की पावर एक्स ई की पावर रूट एक्स अपन टी पुट कर देते हैं, और ये पूरा बचिए बाकी वाला बचा वो बचा 2 dt, ठीक है ना, 2 dt, ठीक है। तो अगर नीचे करेंगे तो 2 तो बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, कोस टी डी टी, ठीक है ना। कोस कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, तो इधर इधर इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा और आ जाएगा आंसर, आ जाएगा साइन टी प्लस सी। अगर अब अपनी इक्वेशन नंबर 1 से टी वापस पुट कर देना है वहाँ पे, तो साइन साइन तो साइन पुट कर दिया, और अपने ई की पावर रूट एक्स को टी माना तो ई की पावर रूट एक्स आ गया यहाँ पे वापस, ठीक है, और ये प्लस सी, तो इस टाइप से भी फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर अपन 4 डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है अपने को, क्वेश्चन नंबर 4 का उसके 4 के भी 2 पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, देखो मैंने फिर कहा था कि अगर आपको समय फलन और उसका अवकलन एक साथ दिख जाए तो फलन को हमेशा अक्स टी मान लेना चाहिए। टी से प्रतिस्थापित करने पे अगर अपन उसका दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो डी टी में है ना उसका अवकलन भी कंसिडर हो जाएगा, तो क्वेश्चन टी और डी टी में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे है ना लॉग एक्स का, देखो हिंट यहाँ से मिल रहा है कि लॉग एक्स का अवकलन होता है ना उसमें 1/x आता है, तो ये पूरा 1/x ही तो है ना। तो अपन क्या करेंगे, लॉग एक्स को टी मानेंगे, तो लॉग एक्स को टी मानने से तो बेटर है कि आप 1 + log x को टी मान लो, क्योंकि जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, तो ये फलन में भी आ जाएगा और इसको हटा भी सकते हैं अपन। तो 1 + log x को अपन टी मानते हैं, ठीक है ना, 1 + log x को टी माना, ठीक है ना, यहाँ ऐसे एग्जाम में लिखना होता है पूरा। तो अपन दोनों साइड दोनों तरफ अवकलन करने पे ये 0 हो जाएगा, और log x का सॉरी log x का हो जाएगा 1/x, और कंप्लीट आ जाएगा डी एक्स इधर आ जाएगा डी टी। अब इधर इधर लिख देंगे दोनों तरफ अवकलन करने पे, ठीक है, दोनों तरफ अवकलन करने पर या डी एक्स एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे, ठीक है ना। तो अब अपन क्या करेंगे, ये क्या बन जाएगा अपने, डी एक्स अपॉन एक्स इजक्ल टू डी टी आ गया अपने अपने लिए। तो अब अपने को पता है डी एक्स अपॉन एक्स तो ये है, ठीक है ना, डी एक्स अपॉन एक्स को अपन डी टी पुट करेंगे और ये पूरा अपने टी मानना है। तो अगर इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को अगर अपन क्वेश्चन में पुट करते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन में पुट करते हैं, इधर चले जाके यहाँ पे पुट करते हैं, तो क्या बनता है क्वेश्चन, फाइनली क्वेश्चन बनता है अपने लिए, इस पूरे मटेरियल को डी टी पुट कर दिया तो डी टी बन गया, और इसको अपन ने टी माना है तो ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। अब इसका आंसर क्या आता है अपने को पता है, इसका आंसर आता है फाइनल आंसर इंटीग्रेशन करने पर आता है लॉग ऑफ मोड ऑफ टी, ठीक है, प्लस सी, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर आ गया। अब अपने को इक्वेशन नंबर 1 से टी वापस पुट करना है, तो टी वापस पुट करेंगे तो लॉग मोड ऑफ टी के अंदर क्या आएगा, टी की जगह आएगा लॉग एक्स 1 + log x, ठीक है, और ये प्लस सी आ गया कंसीडर, तो ये कंप्लीट आंसर आ गया, ठीक है। तो मैंने कहा था ना कि जब भी फलन और उसका अवकलन एक साथ दिखे तो क्वेश्चन का आंसर ये लिया जाता है, क्योंकि अपने को फलन को है ना, देखो मैंने यहाँ पे फलन को, ये फलन लॉग एक्स था लेकिन 1 को इसलिए 0 साथ में ले लिया क्योंकि इसका तो अवकलन करने पर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको मैंने पूरे को टी माना, टी मानने के बाद मैंने क्या किया, दोनों तरफ अवकलन किया, तो 1 का अवकलन 0 आता है, और फिर लॉग एक्स का अवकलन होता है 1/x, और फिर एक्स का अवकलन होता है डी एक्स, और इधर आ जाता है डी टी, ठीक है ना। तो डी एक्स अपॉन एक्स को डी टी पुट कर दिया, तो यहाँ पे डी एक्स अपॉन एक्स को अपने डी टी पुट कर दिया, और 1 + log x को अपने टी माना था। अब अवकलन बन गया डी टी अपॉन टी, तो डी टी अपॉन टी का अवकलन उसी टाइप से होगा जैसे डी एक्स अपॉन एक्स का होता है, डी एक्स अपॉन एक्स का अवकलन होता है मोड लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स, ठीक है ना, लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे लॉग मोड ऑफ टी प्लस सी हो जाएगा, फिर टी की जगह मैंने वापस वैल्यू पुट कर दी तो अवकलन आ गया। देखो इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर उसमें अपने को लॉग एक्स का अवकलन 1/x दिख रहा है, तो अपन फिर क्या करेंगे, इसमें वही मेथड वापस लगाएंगे, ठीक है ना।
इसमें भी अपने को वही करना है, अपने को करना है वन प्लस लॉग एक्स को अपने फिर से टी मान लिया, वन प्लस लॉग एक्स को अगर अपन टी मानते हैं तो फिर दोनों तरफ आउटलाइन करने पे दोनों तरफ इक्वेशन नंबर एक मानना है अपने, ठीक है, दोनों तरफ आउटलाइन करेंगे तो क्या बनेगा, वन अपॉन एक्स बन जाएगा और डी एक्स बन जाएगा इजक्ल टू डी टी आ जाएगा, ठीक है ना, वन अपॉन एक्स। तो देखो डी एक्स अपॉन एक्स को अपने डी टी पुट कर दिया तो ये इक्वेशन नंबर दो आ गई। अब इन दोनों इक्वेशनों को अगर अपन क्वेश्चन में पुट करते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन में पुट करते हैं तो अपने को पता है क्वेश्चन आएगा ये आ जाएगा टी का क्यूब और इधर आ जाएगा डी टी, ठीक है ना। अब अपने को पता है चूंकि एक्स की पावर एन, ठीक है ना, और डी एक्स अवकलन होता है तो उसका जो आंसर आता है वो आता है एक्स की पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन प्लस सी। तो बस यही मेथड यहाँ पे लगाना है तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर आएगा वो आएगा सॉरी आंसर आएगा इंटीग्रेशन साइन हट जाएगा तो यहाँ पे आंसर आएगा वो आएगा टी की पावर थ्री प्लस एक मतलब फोर बटा तीन प्लस एक चार, तो चार नीचे आ गया प्लस सी। तो अब अपने को पता है कि टी की वैल्यू अपन यहाँ से पुट करनी है वापस, तो टी की वैल्यू अपन वहाँ से पुट करेंगे तो वन बाई फोर तो बाहर आ गया, ठीक है ना, वन बाई फोर तो बाहर आ गया और अंदर क्या बचा, टी की पावर फोर को वन प्लस लॉग एक्स की पावर इसकी पावर चार प्लस सी, ठीक है ना। तो फाइनल आंसर यही होगा, ठीक है। तो इसी टाइप से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ सिक्स और सारों की वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो वो मैं नेक्स्ट डालता रहूँगा एक दो दिन में। तो ठीक है, आप वीडियो को देखिए कंप्लीट, अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं फिर से वीडियो को बना के डाल दूंगा, ठीक है ना। अगर फिर भी कोई डाउट हो आपको तो फिर भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में किसी में भी अगर आपके डाउट हो कोई भी टॉपिक में तो वो बताइएगा मेरे को, मैं उसके भी वीडियो बना के आपके डाल दूंगा। थैंक यू।